Hi everyone, this is Hania Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. वो आया जल्दी, ये एड्रेस है तेरी बहन का, कराची में है वो, ये ले देख ले, एड्रेस नोट कर ले। गया तू कौन है? जा ले उसे, जा जा। क्या हुआ, बोर हो रही हो? चलो सहेली सहेली खेलते हैं, गप्पे मारते हैं। तुम्हारी माँ का फोन आ रहा है। माँ मेरा रायता बनाने के मूड में। माँ बुलाए और औलाद ना जाए, बहुत दुख की बात है। अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं क्यों चली जाती? माँ याद आती है तुम्हें? मैं तुम्हारी सहेली बनकर तुम्हारे दुख खत्म नहीं कर पाया। मैं अपने दुख खुद संभाल सकती हूँ। तुम अपनी माँ के पास जाओ, परेशान हो रही होंगी तुम्हारे लिए। वो बहुत गुस्से में। तो ठीक है ना, मेरी वजह से गुस्से में है। किसी के लिए अपनी माँ को तो नहीं छोड़ते ना? माँ को नहीं छोड़ सकता और ना छोड़ूंगा। बस माँ इस वक्त कह रही कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में फेंक दूं, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फेंक दो मुझे मौत के मुंह में और जाओ अपनी माँ के पास। तुम मुझे कब तक बचाओगे? तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने से वो लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मुझ जैसी लड़कियां नहीं बच सकती सला, और मैं भी नहीं बचूंगी। तुम अपनी माँ के पास जाओ। मैं जानती हूँ कि वो ऊपर ऊपर से गुस्सा है, दिली दिल में रोती होंगी तुम्हारे लिए। उनके साथ ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ कि वो ऊपर से गुस्से में और अंदर से रो रही है, मगर बस उनको ये नहीं पता कि अगर मैंने तुम्हें मौत के मुंह में जाने दिया तो मैं भी मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता सालार। मैं मर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा तो फिर मेरे मरने में अभी वक्त है, जब तक अपनी माँ के पास चले जाओ। क्या सोचती होंगी कि मैंने इस लड़की को सहारा दिया और वो मेरा बेटा लेकर चली गई? प्लीज उनसे बात कर लो। अगर तुम्हारे शौहर को इतना शौक है ना बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी करने का, तो कहीं और जाके मुंह मारे। मेरे पे नजर रखने की जरूरत नहीं है, वरना उसका बड़ा बुरा अंजाम होगा। Oh!
मैं तेरी सरकार, मेरी फरियाद सुन ले, सुन ले मेरी फरियाद। मैं तेरी सात पुश्ता दी गुलाम, सरकार सुन ले, सुन ले दुखी बादी फरियाद, सुन ले, सुन ले, सुन ले मेरी फरियाद। चौधरी जी क्या मासरीदा, ये कोई तरीका है? ऐस वादी फरियाद सुन ले, जितनी फरियाद आज निकल जाएगी, मैं तेरी सात पुश्ता दी गुलाम, सुन ले मेरी फरियाद। चल चल मेरे नाल। अच्छा चल, चल। ये बाहर शोर कैसा था? अम्मा जरीना, अम्मा जरीना है ना, उनका बेटा राशिद चाचा, उसे अब्बा ने ऐसा पीटा, उसके एक नाक से खून निकलने लग गया, फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर, ओए होए होए, बस समझे मरने वाला हो गया। ये तो बहुत बुरी बात है। कोई बुरी बात नहीं है, छोटे लोगों को छोटा रहना चाहिए, हल्की सी भी इज्जत दो ना सर पर चढ़ जाते हैं। आपको ये बातें कौन सिखाता है? आती हैं बस सारी बातें। आप सारा दिन यही बातें सुनते हैं ना, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। आपको पता नहीं है कि सारे इंसान एक जैसे एक बराबर होते हैं? जी नहीं, गरीब गरीब होते हैं और अमीर अमीर होता है। अच्छा, फिर इंसान सब देखने में एक जैसे क्यों? अपनी शक्ल देखिए गरीबों जैसी, मेरी शक्ल देखिए अपनी शक्ल। चलो आओ पढ़ाई शुरू करते हैं। वेट कीजिए जरा, मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूं। चाचा साहब जूस पी लें। इस गुलाम दिया ने सत पुछता तू तड़े गुलाम ऐस वेली दा सारा कम, मैं कदे साब नहीं मंगिया, मैं कदे साब नहीं मंगिया, मेरा एक कोई पुत्र है, एक कोई पुत्र है राशिद, सोने जी तड़ा दूध शरीक भरा है, अरे जी क्यों भूल गए गल, तन याद नहीं तब तुसी छोटे जे छोटे जेगे से तुसी रोंदे से, तानू चुके मैं अपने सीने लाल लाया और रोंदा से उन्हों में दूध नहीं पिलाया, चौधरी जी सारी सारी रात तुसी मेरे सीने ते सोंदे से, मैं चौधरी जी मेरा पुत्र एको पुत्र है राशिद। अब फिक्र क्यों करती है अम्मा जरीना, मैं मना लूंगा राशिद को। ना चौधरी जी ना, मैनू इंसाफ चाहिदा, मैनू पूरा पूरा इंसाफ चाहिदा, मैनू इंसाफ दियो। मेरा इंसाफ कौन देगा? राशिद ने गद्दारी की है, सम्मी को यहां से भगाने में मदद की है, पक्की पक्की खबर है मेरे पास। चौधरी जी ओ हुक्म दा गुलाम, असी गद्दारी नहीं कर सकते, असी असी ते पुछता तो हुक्म दे गुलाम आ, उन्हों हुक्म होया होए चौधरी साहब, और बगैर हुक्म ते नहीं कर सकता एक काम। तो मैंने हुक्म दिया था उसको सम्मी को पकाने के लिए, फिर तू अच्छी तरह से जानती है राशिद सिर्फ मेरे हुक्म का पाबंद है, ये बात तुझे भी पता है और मुझे भी पता है। फिर किसने उसे हुक्म दिया बता मुझे। जवाब दे मासरीना।
राशन जान से जाएगा और आपकी कसम। अगर तूने मुझे ये नहीं बताया कि किसके हुक्म से सम्मी को हवेली से भगाया गया। मेरे हुक्म से। चल, नहीं छोड़ सकता ना उस, नहीं छोड़ सकता ना उसको मेरे लिए। निकल जा फिर मेरे घर से बाहर। दो टके की पेडिक्योर करने वाली के लिए जरूरी किया ना तूने मुझे। निकल, निकल बाहर, निकल जा मेरे घर। स्टॉप, स्टॉप इट, स्टॉप। मर गई तेरी माँ, मर गई मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए। मर जाऊँ ना मैं तो मेरा मुंह देखने मत आना, मेरी कब्र पे भी मत आना। निकल, निकल। ऐसे क्या देख रही है? पता ही नहीं लग रहा, प्यार से देख रही है या गुस्से से? आज से पहले ऐसे तो कभी देखा नहीं। बैठ ना। और ये पराई पराई बनी क्या खड़ी है तू? बैठ ना। अच्छा लिए बता दे, प्यार से देख रही है कि गुस्से से? तुझसे कुछ मांगना है। मुझसे? मां पहले वादा कर कि तू इनकार नहीं करेगा। चल नहीं करूंगा। बेटा, मुझे बेटा चाहिए। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू मेरा शौहर और मैं तेरी बीवी हूं। चल ऐसे ही समझ ले। क्या बात है, किसी से शर्त लगी है? हाँ। किसे? अपनी सौकन से। सौकन? और मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ मैं किसी से शादी वादी नहीं कर रहा। शादी तू तो तब करेगा ना जब मैं तुझे बेटा पैदा करके नहीं दूंगी। मैंने उससे भी कह दिया निकल जा, तू मेरा और सिर्फ मेरा है और मैं तेरा बेटा पैदा करके रहूंगी। वो धक्के दे के निकाल दिया उसे मैंने। और किसे? उसी को जिसे तू मेरी सौकन बनाने लगा था राशिद चण। और मैं किसी को नहीं जानता। और झूठ ना बोल, पर मैंने भी उसे कह दिया
कि अगर उसने नजर उठा के भी मेरे शौहर की तरफ देखा ना तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। और तू किसकी बात कर रही है? नहीं, नर्स की। क्या कह रही है तू? नर्स? मेरा कोई तल्लक नहीं उसे। ये बात तू किसी और बताना। सौतन तो उस पे आती है ना जब पहली बीवी अपनी जगह छोड़ दे। मैं अपनी जगह छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। चली हो गई है तू, अब तुझे जाने कौन देगा? कहते हैं बीवी से बड़ा कोई महरमे हाल नहीं होता। मैं सुनता था कुरान में लिखा है कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास हैं। मैं सोचता था कि ये कैसे हो सकता है, कोई एक दूसरे का लिबास कैसे बन सकता है। अब तुम्हें देखता हूं तो महसूस होता है कि एक औरत कैसे एक मर्द का लिबास बनती है। मुझे भी अब पता चला है कि मर्द कैसे औरत का लिबास बन सकता है। मैं तो वो लिबास हूं जिसमें जा बजा बदरंग और मैले पैवंद लगे हुए हैं, और ये लिबास तो कई जगह से फटा हुआ भी है। ना तो तुम्हें सही तरह ढांप सकता है और ना ही मौसम की सर्दी गर्मी से तुम्हें बचा। निसार भाई, पहले तो मैं भी यही समझा था कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है और नाई बहन शायद किसी मरीज को देखने जाती हैं, पर जब मैंने अपनी गुनाहगार आंखों के साथ रोजाना उस गंदी नाली के कीड़े के घर में जाना देख लिया तो आप यकीन माने मेरा तो सर शर्म से झुक गया। ये तो बताने आ ही नहीं रहे थे, पड़ोसियों की इज्जत हमारी इज्जत है। निसार भाई, मामला अभी बिगड़ा नहीं है। वो तो शुक्र करें कि इस मोहल्ले में ना उस गंदे कीड़े को ना कोई हमें जानता है। छोटा सा शहर है वरना बात कहीं से कहीं पहुंच जाती, लेकिन अभी वक्त हाथ से निकला नहीं है। जी भाई साहब, अभी भी वक्त नहीं गया, अपनी भी इज्जत बचा लें, हम सब मोहल्ले वालों की भी। भाई देखें, मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया, मैंने आपको उनके घर का एड्रेस दे दिया और आपको यकीन नहीं तो आप खुद जाके देख लें। बस, और मुझे अपने गैरतमंद खून की कसम है, और इस गल में रद्दी बराबर भी सच्चाई हुई ना, आज उसको मैंने जिंदा नहीं छोड़ना। अब मैं जाऊं? जाओ, हाथ तो छोड़ो। अब नहीं छोड़ा जाता तो फिर एक दफा फिर मेरे घर आ जाना, आके भाई से मुझे मांग लो। तुम अपने भाई से कह दो ना कि हम निकाह कर चुके हैं। तुम एक बार घर आओ ना, भाई से आके बात करो, तो तुम्हारे साथ खड़े होके उनको बता दूंगी कि हमने निकाह कर लिया। आज ही आ जाऊं? नहीं, कल इतवार है, कल 12 बजे आ जाना, बहुत बड़ा तूफान उठेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहूंगी। वादा? वादा। अब जाऊं? हाँ, अब जाओ, सिर्फ कल तक।
पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि जिंदगी अपनी मर्जी की चीज होती है, जैसे चाहो गुजारो, बस मरना अपनी मर्जी का नहीं होता। नहीं यार, कुछ भी अपनी मर्जी का नहीं होता, ना जिंदगी और ना मौत। देखो सनार, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है। उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है सलार, कि जब माए सर से हाथ खींच ले तो बच्चों के पैरों से जमीन निकल जाती है। लेकिन मैं कह रही हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और तुम तो मेरी सहेली हो। क्या कह रहे थे तुम? बागी लड़की हो तुम? बागी लड़कियां ऐसे रोती हैं। अब लड़की बनना है तो ठीक से बनो, ऐसे रोंदू लड़की मत बनो। मुंह काला करके, और तुझे मुंह काला करने के लिए वही गंदगी का ढेर मिला था जिसमें सारा जमाना तू तू करता है। और देख मैं तेरा असर क्या करता हूं, और जा चूल्हे में से तेल लेके आ। और दीदे फाड़ के क्या देख रही है, जा मिट्टी का तेल लेके आ। और जाती है या दूं तुझे भी, जा जल्दी से। तू देख तेरा मैं असर क्या करता हूं, तेरा मैं मुंह साड़ के गलियों में फिराऊंगा। और जब गलियों में चलेगी ना तो लोग पता है क्या बोलेंगे, ओ देखो ओ गैरत मंत्रा की काले मुंह वाली पहन जा रही है, देख तू। और किधर मर्जी जो तेल लेके आ, छोड़ इसके मुंह पे, और दे दे तेल मुझे। छोड़ ना, मैं तुझे कह रहा हूँ छोड़ दे। मैंने निकाल दिया उससे। और सुना तूने बेगैरत क्या बोल रही है, और तेल छोड़ इसके मुंह पे। मैंने गुलामों से निकाल दिया। क्या हो रहा है? किसने आपको हक दिया है कि आप ये सब कुछ करें? वो बेगैरत बोल रही है, निकाह किया है इसने। निकाह करना कौन सी बेगैरती होती है अब्बा जी, निकाह तो उतना ही अहम है अब्बा जी जितनी हमारी नमाज जनाजा। ओ प्यो को जनाजे की धमकी देगा तू? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस जमीन पर हमेशा के लिए नहीं है, तो कुछ ऐसा वैसा करने से पहले जरा सोचें। वो छुप के निकाह करके आई है, छुप के। छुप के इसलिए निकाह किया है बाजी कि वैसे आप इजाजत नहीं देते। और तेरी तरह इतना बेगैरत नहीं है तेरा प्यो, क्यों नाजायज गंदी नाली के कीड़े से इजाजत दे देता इसको निकाह की। इंसान जायज और नाजायज नहीं होता अब्बा, नाजायज तो इंसान का गुनाह या जुर्म होता है, और आप जो करने जा रहे हैं वो एक जुर्म भी है और नाजायज भी, और मैं आपको ये जुर्म नहीं करने दूंगा पा। उत्तर रहा हूं उसका, जो दिल में आएगा वो सजा दूंगा मैं उसको। किसने आपको कहा है कि बहन भाई की प्रॉपर्टी होती है? वो बहन तो खुद मुख्तार होती है अब्बा, और अगर मैं बीच में से हट भी गया और आपको ये सब कुछ करने दिया तो आपको पता है ये एक पुलिस केस बन जाएगा अब्बा, जमीन के ऊपर वाली अदालत में भी और नीचे वाली अदालत में भी। और अम्मी जी, इस तेल की बोतल को आप फेंक दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके उंगलियों के निशान ये साबित कर दें कि आप भी इस जुर्म में बराबर की शरीक थी। नहीं है मैडम, फिर भी कुछ नहीं होता, मैं हूं ना।
काश जा रहा है। कल्ला जा रहा है। बंदे हैं मेरे साथ। देख पुत्र, करांची बड़ा वड्डा शहर है, वो देख लेगी तो शोर मचा देगी। वहां तेरा बाप नहीं होगा। अगर शोर मचा के तुझे फंसाना चाहे तो तू कह दियो कि मैं इसका भाई नहीं हूं। मैं उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा अब्बा कि वो शोर मचा सके। चौधरी नवाज को बताया? नहीं, ये मामला चौधरी नवाज का नहीं है, ये मामला हमारी गैरत का है। वो उसकी बनी नहीं है, हमारे घर से भागी हुई इज्जत है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं जानू, मेरा काम जानू। इरादा क्या है तेरा? जो पावर के चौक पे जिंदा जलाऊंगा उसे। नरगस है, कराची के लिए निकल गए अभी अभी। जी जी, रेल से। मैंने उसे वो ही पता दिया था जो आपने मुझे भेजा था। हाँ जी। अच्छा भाजी, वो हाँ, वो इस महीने के पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे जी, थोड़ी जरूरत थी जी। जी राशिद चंद तो अभी घर से बाहर निकले ही नहीं है, इसीलिए मैंने उसे देखा भी नहीं। वो बीमार हो गए ना जी, चोई नवाज की पिटाई के बाद। हाँ जी जी, जैसे ही निकलेगा। अच्छा बाजी, वो पैसे, वो हेलो हेलो काट दिए। चलो मिल ही जाएंगे।
तुमने खाना नहीं खाया ना, चाय पी लो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हो जाती? एक नजर अपने दिल पर डालो, शायद एक छोटा सा निशान मेरी मोहब्बत का लग गया हो। नजर डाल के देख लिया, कुछ नहीं है। तुमने ही तो कहा है कि तुम मेरी सहेली हो। हाँ मैं भूल गया, बिल्कुल बिल्कुल हम सहेलियां। इसीलिए मैंने अपनी सहेली के लिए चाय भी बनाई। हाँ थैंक यू सहेली। तुझे मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया? मेरी बीवी होते हुए मुझसे गद्दारी? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए अभी इसी वक्त। तूने ना सिर्फ मुझसे गद्दारी की बल्कि मेरे वफादार गुलाम को भी मुझसे गद्दारी पर मजबूर किया। क्यों? मुझे पता है कि तुझे किस बात का इतना गुरूर है कि तेरे बाप के मुझसे ज्यादा मुरब्बे हैं, तेरे भाई मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। देख मेरी तरफ, मैं हूं चौधरी रब नवाज राजा, रब नवाज राजा जो उस पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहा है जो हुकूमत में है, जिसकी एक जेब में वजीर आजम है और दूसरी में वजीर आला। समझी? खाली खुली शोर मत समझना मुझे, सब समझना। ऐसा सब जिसकी तुम पे तूने पैर रख दिया है, अब देख वो कैसे पलट कर वार करता है तुझ पे। ये बंदूक ले, गोली मार दे मुझे। नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तुझे जिंदा रख के मारूंगा। मैं तुझे तेरी अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि जिंदा रह के कैसे मरते हैं। सब में अब शाहजेब की नहीं, मेरी वन्नी होके आएगी। तुझ पे सौकन बना के लाऊंगा उसे। इस कमरे में रहेगी, इस हवेली में तेरी आंखों के सामने घुमा करेगी। और जब तू नाराज होके अपने बाप के पास जाएगी ना, तो तेरा बाप तुझे ये कहकर वापस भेज देगा कि पुत्र ब्याही बेटी की लाश ही ससुराल से वापस आती है, तब ये मुझे देना। मैं छह की छह गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। खेडदा फिरे मेरे ना।